छूलेन दोनों झुक हो टोक, कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, ये सबसे हंसी ही नाम है ये छूले ने दोनों झुक हो टोक। ट्रेन में घूमते हैं, मांगते हैं गा गा के, उसमें जो 10-20-150 जो भी मिल जाता है, जिसकी जैसे सोच के अनुसार वो देते हैं लोग, उससे खर्चा निकलता है। अपने लिए तो कोई भी लड़ लेता है, मुश्किल है दूसरों के लिए लड़ना, और कुछ ऐसा ही कर रही हैं मुंबई की रहने वाली हेमलता। इन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने वालों के लिए एक बैंड बनाया और उस बैंड का नाम रखा स्वराधार, और इस बैंड के जरिए उन्हें मिल रही है इज्जत भरी जिंदगी। तो मिलते हैं हेमलता से और जानते हैं कि क्यों सोचा उन्होंने ये स्वराधार बैंड बनाने के बारे में। ये 2010 की बात है, मैं एक शो के लिए चर्चगेट जा रही थी। स्टेशन पे उतरने के बाद देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे कुछ भीड़ इकट्ठा हुई है, कुछ लोग हैं। मैंने देखा तो वहाँ पे दो लोग प्लेटफॉर्म पे बैठ के, मतलब एक जो थे उनमें से वो हारमोनियम प्ले कर रहे थे, दूसरे जो थे तबला प्ले कर रहे थे और वो गा रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे क्या बात है, मतलब इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा आर्ट कभी नोटिस तो नहीं करा था इससे पहले, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा। लेकिन जब मेरे आसपास के लोग जब उनको पैसे दे रहे थे, जब उनको रिवॉर्ड या रिकॉग्नाइज कर रहे थे, तो पैसे उन पर फेंक के जा रहे थे, मतलब 1 रुपया भी अगर है तो फेंक देना है, 10 रुपये है तो फेंक देना। काफ़ी कम लोग थे या फिर ऑलमोस्ट नहीं था कोई जिन्होंने रिस्पेक्टफुली वो पैसे उनको दिए थे। उसका क्या किया जाए ये मैं सोच रही थी, और तब लगा क्यों ना ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट जो मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते हैं बजाते हैं, जो सच में टैलेंटेड है, अगर उनका एक ग्रुप बनाया जाए, अगर उनका एक म्यूज़िकल बैंड बनाया जाए तो कैसे हो सकता है। और इसी तरह से 2010 में आप कह सकते हैं कि वो आइडिया इमर्ज हुआ कि ये किया जा सकता है। यहाँ कहते हैं कि अगर जहाज़ चढ़ाओ तो कोई अड़चन नहीं आती, कोई भी काम करना हो, तो इसलिए जहाज़ चढ़ाया मैंने, तो कि बाबा ये कृपा हो,